वेबसाइट प्रमोशन, कैसे हम लोग अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हैं और अपने वेबसाइट पे बहुत सारे क्लाइंट्स को ला सकते हैं। देखते हैं, वेबसाइट प्रमोशन इज अ कलेक्शन ऑफ मार्केटिंग टैक्टिक्स, एक्शन एंड टेक्निक्स दैट ड्राइव ट्रैफिक विजिटर्स टू योर वेबसाइट। ठीक है, हमने एक वेबसाइट तो बना लिया, ठीक है, लेकिन उसमें अगर कोई विजिटर नहीं है, मतलब उस वेबसाइट को कोई देख नहीं रहा है, ठीक है, हमने अपने बिजनेस के बारे में बता दिया, बहुत सारी चीजें उसमें डाल दी, लेकिन उस पर कोई विजिट ही नहीं कर रहा है, तो उस वेबसाइट को कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को अगर कोई भी वेबसाइट हम लोग बना रहे हैं, जैसे मान के चलो जोमेटो है, ठीक है, जोमेटो क्या है, एक वेबसाइट है, ठीक है, वो क्या करता है, फूड ऑर्डरिंग का काम करता है। ठीक है, अगर मान के चलो जोमेटो जो कंपनी स्टार्ट किया, उसने अपना सर्विस वगैरह सारा चीज़ तो कर दिया, लेकिन उसने अगर प्रमोशन नहीं किया, उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, ठीक है, तो लोग उसके पास जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि लोग जानेंगे ही नहीं उसको, और जब तक लोग नहीं जानेंगे, उसकी वेबसाइट यूज नहीं होगी, मतलब विजिटर्स नहीं आएंगे। ठीक है, जैसे कि अभी टीकाकरण चल रहा है, तो उसका cowin.gov.in जो है, हमारे पास एक वेबसाइट अवेलेबल है जिसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है, और वैक्सीन लगा सकते हैं। तो उसके बारे में प्रमोट किया गया, मतलब उस वेबसाइट के बारे में बताया गया, ठीक है, टीवी के माध्यम से, बैनर के माध्यम से, पोस्टर्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के टेक्निक होते हैं जिससे हम लोग अपने वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, वेदर यू हैव फ्रीलांस बिजनेस, ब्लॉग्स और ई कॉमर्स बिजनेस, वॉट एवर वेबसाइट यू हैव, योर होम बिजनेस, यू नीड टू डू प्रमोशन टू लेट पीपल नो अबाउट इट। ठीक है, तो हम लोग के पास किसी भी टाइप का बिजनेस हो, फ्रीलांसिंग करते हो, ब्लॉग्स हो, ई कॉमर्स हो, या फिर जो भी हम लोग का होम बिजनेस है, ठीक है, गृह उद्योग जो बोलते हैं वो हो, ठीक है, तो सबको यहाँ पे प्रमोट करने की जरूरत पड़ती है। प्रमोट करना मतलब एडवर्टाइजमेंट करना, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, ठीक है, बिकॉज देर आर सो मैनी डिफरेंट वेज यू कैन मार्केट योर वेबसाइट, इट कैन गेट ओवरवेलम्ड फर्दर विदाउट ए प्लान, योर प्रमोशनल एफर्ट्स कैन बी वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, जब हम लोग वेबसाइट को प्रमोट करते हैं, तो पहले हम लोग को प्लान बनाना होगा। प्लान बनाना मतलब क्या होगा, कि हम लोग ऐसा मार्केट को टारगेट करेंगे जहां से हम लोग को विजिटर्स मिल सके, ठीक है, जहां से हम लोग को विजिटर्स मिल सके। ठीक है, हम लोग अगर मान के चलो प्लान नहीं किए और हमने डायरेक्टली क्या किया, हमने वेबसाइट का प्रमोशन चालू कर दिया और हमको पता ही नहीं कि हमारा टारगेट कौन है। ठीक है, तो पहले हम लोग को प्लान बनाना बहुत जरूरी थी। अब हम लोग वेबसाइट को प्रमोट तो करेंगे, लेकिन कहाँ से करेंगे, किस पे करेंगे, ठीक है, किस किस के पास हमारी वेबसाइट की जानकारी पहुँचनी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग को प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, बहुत सारे टिप्स होते हैं, मैं यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ। सबसे पहला है नो योर टारगेट, ठीक है, मतलब हम लोग को सबसे पहले अपने टारगेट के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमने कोई भी न्यूज़ पोर्टल हमने बना लिया, या फिर हमने कोई भी एक फूड डिलीवरी का बिजनेस हमने स्टार्ट किया और वहाँ पे एक वेबसाइट हम लोग बना रहे हैं, तो हम लोग उस वेबसाइट को कहाँ कहाँ प्रमोट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा फूड ऑर्डर कौन करता है, यूथ करती है, ठीक है, तो यूथ कहाँ पे मिलते हैं सबसे ज़्यादा, कॉलेज में, स्कूल्स में, ठीक है, ऑफिसेस में, ठीक है, सॉफ्टवेयर कंपनीज में, ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग को टारगेट सेट करना होगा। मतलब जो एज ग्रुप है, मतलब वो सबसे ज़्यादा 10 साल की उम्र के बच्चे से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 40 इयर्स, 40-45 इयर्स तक के टारगेट हम लोग को सेट करने होंगे। ठीक है, मतलब इतने एज वाले जो है वो हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को टारगेट जानना है। योर गोल इज नॉट जस्ट इन गेटिंग एज मच एज ट्रैफिक टू योर साइट एज पॉसिबल, ए मिलियन ऑफ विजिटर्स मीन्स नथिंग इफ नन ऑफ देम आर इंटरेस्टेड इन व्हाट यू ऑफर। ठीक है, अब मान के चलिए हमने क्या किया, मार्केट अपना सेट कर लिया, टारगेट हमने बना लिया, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी सर्विसेज है जिसपे वो विजिटर इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है,
विजिटर तो आ गए लेकिन उनके पास कुछ ऐसी सर्विस नहीं जिनको जिससे उनको फायदा हो। ठीक है, जैसे मान के चलो हमने कोई ऐसा बिजनेस खोल दिया लेकिन कोई भी ऑफर हमको हम उनको नहीं दे रहे। ठीक है, कोई भी ऑफर उसमें नहीं मिल रहा है, तो विजिटर एक बार आएगा, उसे ऑर्डर करेगा, ठीक है, और उसको भूल जाएगा, अगली बार वो आएगा ही। तो अट्रैक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें कुछ ऑफर्स देते रहते हैं। ठीक है, नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग योर टारगेट मार्केट विल अलाउ यू टू फोकस योर मार्केटिंग एफर्ट्स ऑन दोज एक्टिविटीज दैट पुट योर मैसेज इन फ्रंट ऑफ योर मोस्ट लाइकली विजिटर इन ए वे दैट एंटाइसेस देम टू विजिट। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अपना मार्केट पे एक टारगेट फोकस करना होगा। ठीक है, ताकि आपके वेबसाइट पे लोग आए, उसमें देखें, ठीक है, उसकी जो ऑफर्स हैं, जो सर्विसेज हैं, उसका लुत्फ़ उठाएं। ठीक है, और उनके पास एक मैसेज भी जाना चाहिए कि ये एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे हम लोग को बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिल सकती है, या ऑफर्स में मिल सकती है, या बहुत सस्ते दामों में मिल सकती है। इस प्रकार से मैसेज भी जाना चाहिए। ठीक है, या फिर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो एकदम मतलब ऑथेंटिकेट है, ओरिजिनल है, ठीक है, और उसमें कोई भी धांधली नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग को एक मार्केट सेट करना होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर वन में यही था। फिर उसके बाद सेकंड आता है, यूज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटेजीज। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटेजीज हम लोग को यहाँ पे यूज करनी होगी। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटेजीज मतलब जितने भी सर्च इंजन अवेलेबल है, जैसे गूगल, याहू, ठीक है, बायडू, इस टाइप के बहुत सारे सर्च इंजन अवेलेबल है। तो उस सर्च इंजन में जब भी कोई सर्च करता है, ठीक है, अगर मान के चलो हमने कोई भी एक ऐसा वेबसाइट बनाया जो यूजर के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, अगर यूजर उस वेबसाइट के बारे में सर्च करता है तो उसको वो सब सर्च करने के बाद वो वेबसाइट मिलनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग सर्च कर दिए वो वेबसाइट मिली नहीं थी, कितना भी सर्च कर लिए तो भी वेबसाइट नहीं मिली। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट सर्च इंजिन्स में भी उसका रजिस्टर करना पड़ेगा। और जब तक हम लोग रजिस्टर नहीं करेंगे तब तक वो क्या करेगा, हम लोग को दिखाएगा नहीं। जब रजिस्टर करेंगे तभी हम लोग को दिखाएगा। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे SEO के बारे में भी यहाँ पे देना पड़ेगा। बट डोंट रिलाय ऑन सर्च इंजन्स अलोन टू डिलीवर ट्रैफिक, मेकिंग इट इजी सर्च इंजन्स टू अंडरस्टैंड इंडेक्स एंड रैंक योर वेबसाइट इन ए इज ए नो ब्रेनर, इट्स फ्री एंड नॉट डेड टू हार्म। ठीक है, यहाँ पे जो सर्च इंजन्स होते हैं जनरली फ्री होते हैं। ठीक है, सर्च इंजन के फ्री होने से क्या होगा, उसको समझने में भी आसानी होती है, उसमें हम लोग इजिली इंडेक्स प्रिपेयर कर सकते हैं। इंडेक्स मतलब जितना ज़्यादा वहाँ पे हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, मतलब कीवर्ड्स उसमें लगाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को करनी पड़ती है SEO के लिए। ठीक है, तभी हम लोग का वेबसाइट जो है उसकी रैंक बढ़ती है। ठीक है, जैसे हम अगर फेसबुक को सर्च करें, सिर्फ F हम लोग लिखेंगे तो फेसबुक का सबसे पहले लिंक आता है। ठीक है, तो उसने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऐसा करके रखा है तभी वो वहाँ पे दिख रहा है। तो हम भी वैसा ही हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अगर अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं और वो वेबसाइट को प्रमोट करना चाहते हैं तो सर्च इंजन इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, सर्च इंजन से ही हम लोग सबसे ज़्यादा ट्रैफिक गेन कर सकते हैं अपने वेबसाइट पे। ठीक है, पॉइंट नंबर थ्री है, प्रमोट योर मार्केट हैंग्स आउट। ठीक है, इफ योर मार्केट इज नॉट ऑन ट्विटर यू डोंट नीड टू ट्वीट। व्हेन कंसिडरिंग हाउ एंड वेयर टू प्रमोट, थिंक अबाउट वेयर योर मार्केट गोज टू गेट सिमिलर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स रिलेटेड टू वॉट यू ऑफर। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मान के चलो हम लोग कोई ऐसा मार्केट चूज करते हैं, मार्केट मतलब पब्लिक। ऐसा मार्केट हम लोग चूज करते हैं जिसमें हम लोग जो हम लोग का वेबसाइट है उसके सिमिलर कंटेंट मिले। ठीक है, उससे मिलते जुलते कंटेंट मिले, लोग वहाँ पे उसी से मिलते जुलते कंटेंट देखते हैं या पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि मैगजीन्स, प्रिंट मीडिया, ठीक है, या फिर जो सोशल मीडिया है वो सारे चीज़। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हम लोग को जो वेबसाइट्स जो हमने बनाया है उसका एक ऑफलाइन सोर्स या फिर ऑनलाइन सोर्स हम लोग को जनरेट करना होगा। तो उससे क्या होगा कि जितने भी यंग्स है या फिर
जो भी, जैसे मान के चलो फिटनेस ब्लॉग है, ठीक है, अगर मैंने अपना फिटनेस ब्लॉग बनाया, ठीक है, छोटे बच्चों के लिए, ठीक है, महिलाओं के लिए या फिर किसी के लिए भी, ठीक है, तो मैं उसको कहाँ कहाँ प्रमोट कर सकता हूँ? लोग उस टाइप की चीज़ें कहाँ कहाँ देखते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर में देखते हैं, ठीक है, मैगजीन्स में देखते हैं, ठीक है, या फिर बहुत सारे प्रमोशनल कैंपेन्स होते हैं, लोग आजकल व्हाट्सएप मैसेजेस में भी भेजते हैं, ठीक है, तो इस टाइप से भी प्रमोशन यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स भी हम लोग बना सकते हैं, साथ में जो पब्लिक ग्रुप्स होते हैं वहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप्स होते हैं, ट्वीट हम लोग कर सकते हैं, या प्रिंट मीडिया हम लोग दे सकते हैं, ठीक है, प्रिंट मीडिया मतलब पोस्टर, बैनर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो उससे हम लोग अपना मार्केट को हैंग आउट कर सकते हैं, मतलब बांध के हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है हुक योर मार्केट विद ए मैसेज दैट स्पीक्स टू देम, ठीक है, दैट मीन्स ओपन विद हुक दैट एंटाइसेस एंड इंट्रीगेस योर मार्केट, इट शुड बी बेनिफिट ओरिएंटेड इन दैट इट प्रॉमिस टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, इम्प्रूव लाइफ और टू बी एंटरटेन, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम लोग एक ऐसा मार्केट जनरेट करें अपना कि वो खुद वो बोले, ठीक है, जैसे कि अभी वैक्सीनेशन चल रहा है, तो वो वैक्सीनेशन के जो प्रचार होते हैं, आप लोग देखोगे कि सारा मैसेजेस जो होता है वो छोटे से वेबसाइट में डाल दिया जाता है, ठीक है, हर मैसेजेस। कभी कोई एडवर्टाइजमेंट देखोगे जिसमें कोई गाने के रूप में वो बता रहा है सारी चीजें, ठीक है, कोई इमेजेस के फॉर्म में बता रहा है, या कोई सेलिब्रिटी उस चीज को बता रहा है, तो लोग क्या करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनसे लोग उनकी बातें सुनते हैं, ठीक है, और जो प्रमोशन होगा, जो कैंपेन होगा, लोगों तक वो बात को पहुंचाते हैं, मतलब सेल्फ मतलब डिस्क्रिप्शन वो देता है, मतलब अपना ही डिस्क्रिप्शन वो खुद देता है, मतलब उससे क्या होगा, लोगों तक एक मैसेज पहुंचता है, ठीक है, लोगों तक मैसेज पहुंचेगा और वो खुद उस एडवर्टाइजमेंट से ही वो सारी चीजें जान पाएंगे कि ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, और ये एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, और इससे हमारी लाइफ भी इम्प्रूव हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 5 है ट्रैक योर एफर्ट्स, यू विल सेव टाइम एंड मनी इफ यू नो दैट वॉट प्रमोशन आर डिलीवरिंग रिजल्ट एंड विच आर नॉट, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ट्रैक भी कर सकते हैं, अगर हम लोग जो भी प्रमोशन यहाँ पे कर रहे हैं, जो भी एडवर्टाइजमेंट हम लोग कर रहे हैं, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, कितने पब्लिक उसको देख रहे हैं, कितने ट्रैफिक्स उसमें आ रहे हैं, ठीक है, सारी चीजें हम लोग यहाँ ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग कोई भी प्रमोशन करेंगे तो हम लोग पैसे दे के ही करेंगे, फ्री में कहीं पे भी प्रमोशन नहीं होता है। अगर हम लोग को ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक चाहिए, ठीक है, तो हम लोग को उसको प्रमोट करना होगा, पैसे दे के प्रमोट करना होगा, ठीक है। तो जैसे मान के चलो हम लोग पेपर में ऐड देते हैं, पेपर में ऐड देते हैं तो क्या होगा, वो छोटे से एरिया का वो कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपये चार्ज करता है, ठीक है। सोशल मीडिया में वैसे ही है, हम लोग ऐसे सिंपल पोस्ट तो डाल देते हैं लेकिन हमारे पास फॉलोअर्स नहीं है, ठीक है, और लेकिन हम लोग उसको सभी तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, उसको एडवर्टाइज करना पड़ेगा, मतलब वहां पे हम लोग को कुछ पे करके उसको प्रमोट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, अपनी वेबसाइट में हम लोग ट्रैफिक ज्यादा से ज्यादा हम लोग ला सकते हैं, तो ये एक प्रकार की ट्रिक एंड टेक्निक होती है जिससे हम लोग अपने वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हैं।